नमस्ते, आज मैं नवजात शिशुओं में जॉन्डिस या पीलिया के बारे में डिस्कस करूंगी। हर छोटे बच्चे में जब वो पैदा होता है 2 या 3 दिन के बाद थोड़ा पीलिया कॉमन होता है, पर अगर ये पीलिया एक लेवल के ऊपर होता है तब बच्चे को ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। तो यूजुअली ये लेवल हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं, इसके लिए हमारे पास चार्ट्स होते हैं बच्चे के। हम किस टाइम पे बच्चा पैदा हुआ है, कितने दिन का है बच्चा, मदर और बच्चे में कोई ब्लड ग्रुप इनकॉम्पैटिबिलिटी तो नहीं है, उस हिसाब से हम वो लेवल डिसाइड करते हैं। थोड़ा जॉन्डिस सब बच्चों में होता है, उसमें डरने की कोई बात नहीं है। कई पेरेंट्स घबरा जाते हैं, अरे मेरे बच्चे का पीलिया लेवल, जॉन्डिस लेवल 10 है पर नॉर्मल तो 5 से नीचे लिखा है। ऐसा कुछ नहीं है, छोटे बच्चों में लेवल थोड़ा ज़्यादा होता है, 14 से 21 दिन में वो अपने आप कम हो जाता है। पर टाइम पे जॉन्डिस डायग्नोज करना ज़रूरी है, इसलिए जब भी आपके पीडियाट्रिशियन आपको बुलाते हैं आप चेकअप के लिए जाइएगा। ज़रूरी इसलिए है पीलिया को टाइम पे डायग्नोज करना, क्योंकि एक लेवल से अगर ऊपर पीलिया जाता है तो बच्चों का ब्रेन अफेक्ट हो सकता है। उसको हम कर्निक्ट्रस या बिलिरुबिन एन्सेफेलोपैथी बोलते हैं। उसमें बच्चे को फिट्स आ सकते हैं, आगे चल के भी डेवलपमेंट अफेक्ट हो सकती है। तो अगर टाइमली डायग्नोज हुआ तो ट्रीटमेंट बहुत ही आसान है। बच्चे को स्पेशल ब्लू कलर की फोटोथेरेपी लाइट्स में रखा जाता है। ज़्यादातर बच्चे 1 से 2 दिन में ही उनका पीलिया कम हो जाता है। कभी कभी 3-4 दिन भी लग सकते हैं अगर कोई अंडरलाइंग ब्लड ग्रुप इनकॉम्पैटिबिलिटी है, जैसे कि अगर मदर आरएच नेगेटिव है, बेबी आरएच पॉजिटिव है, मदर ओ पॉजिटिव है, बेबी ए या बी पॉजिटिव है। इन केसेस में जॉन्डिस का रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है। बच्चा प्री मेच्योर है, समय से पहले पैदा हुआ है, वजन जन्म पे बहुत ही कम है, इन बच्चों में भी पीलिया का रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है। माँ के खाने का पीलिया से कोई रिलेशन नहीं है, प्लीज़ माँ की डाइट में चेंजेस मत कराइए, उससे बच्चे को और अफेक्ट होगा। माँ का दूध बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है, और अगर माँ अच्छी डाइट नहीं लेगी तो मिल्क भी कम होगा। इनफैक्ट अगर मदर का मिल्क कम है, बेबी का फीडिंग कम है, तो उससे पीलिया और बढ़ सकता है, पर मदर की डाइट का पीलिया पे कोई असर नहीं है। थोड़ा पीलिया के केस में आप सुबह की हल्की धूप दिखा सकते हैं 7 से 9 बजे के बीच में, पर डायरेक्ट गर्म धूप में बच्चे को नहीं रखना है। अगर ठंडा मौसम है, हवा चल रही है, तो भी बच्चे को नहीं एक्सपोज करना है। इसका रोल प्लस माइनस है, ज़रूरी नहीं है कि ये हेल्प करे अर्ली मॉर्निंग जो सनलाइट है, तो इसलिए उसमें आप ज़्यादा घबराइए नहीं अगर धूप नहीं निकली या ठंडा मौसम है। डोंट वरी अबाउट इट, ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है जॉन्डिस का, तो इसलिए आप बच्चे को ठंड या बहुत ज़्यादा धूप में एक्सपोज मत कीजिए। बेस्ट तो ये होता है अगर खिड़की से ही हल्की धूप आ रही है तो आप बच्चे को डाइपर में या नैपी में लेकर बैठ सकते हैं 20 से 30 मिनट तक। डैट विल हेल्प अ लिटिल, उससे थोड़ा हेल्प होता है। एक और चीज़ जिससे पेरेंट्स परेशान होते हैं कि अरे आपने 2 दिन पे बच्चा देखा, उस समय जॉन्डिस का लेवल 10 था, अभी 5 दिन पे 13 हो गया है, तो बढ़ रहा है। जैसे जैसे बच्चे का एज बढ़ता है जॉन्डिस का ट्रीटमेंट का थ्रेशोल्ड भी बढ़ता है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। जैसा मैंने शुरू में बोला, एज बच्चे की एज के हिसाब से भी जॉन्डिस का कट ऑफ बढ़ता है, बट हाँ टाइम टू टाइम अपने पीडियाट्रिशियन के आप संपर्क में रहिए। रेयरली कुछ बच्चों में ट्रीटमेंट के बाद भी जॉन्डिस होता रहता है, ये बहुत रेयर जेनेटिक कंडीशंस होती हैं। इनमें कुछ एंजाइम डेफिशिएंसी होते हैं, या जिन बच्चों को थायराइड डेफिशिएंसी है उनमें ऐसा हो सकता है। कुछ बच्चों में पीलिया 14 से 21 दिन से भी ज़्यादा रहता है, उस केस में भी हमें कुछ टेस्ट करके देखने होते हैं, जैसे कि थायराइड टेस्ट, G6PD डेफिशिएंसी तो नहीं है, गैलेक्टोसीमिया तो नहीं है, बट ये रेयर केसेस हैं। मेजॉरिटी बच्चों में पीलिया अपने आप ही ठीक हो जाता है, कुछ बच्चों को थोड़ा फोटोथेरेपी का 1 या 2 दिन के लिए ज़रूरत पड़ता है। तो अगर आपका भी बच्चा हुआ है, थोड़ा जॉन्डिस है, थोड़ा पीलिया है, तो घबराइए नहीं, बट अपने पीडियाट्रिशियन के संपर्क में रहिए।